गवर्नमेंट को बहुत मुबारक है जे आप सामान लाते हैं पूरा 3-4 किलोमीटर उठा के सिर पे लेते हैं, थक जाते हैं, एक एक क्विंटल भी लेके आए हैं, बहुत मुबारक की बात है जी। हमारे को रोड दिया है, बहुत बढ़िया मुबारक देनी है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा रोड हो जाए, थोड़ा कम्प्लीट हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी चाहिए, थोड़ा बढ़िया रोड बनना चाहिए, थोड़ा 30 साल से 40 साल से मांग रहे हैं हम रोड, अभी रोड हमारे को आ गया है, बहुत मुबारक की बात है, बहुत बढ़िया बात है, इनकी खुशी है, बहुत मुबारक है इन लोगों को हमारे को रोड दे दिया है, बहुत मुबारक की बात है, बड़ी मुबारक की बात है हमको रोड मिला है। 40 साल से पहले क्या रोड है ही नहीं, मांग रहे हैं हम, अभी आया है। बहुत खुशी की बात है, कम से कम 2000 चुमड़ी है, तो 30 साल का या 40 साल का इसकी मांग कर रहे हैं, कोई रोड नहीं साढ़े पुजिया है, इसमें साढ़ा रोड का काम बिल्कुल अच्छा चल रहा, बहुत खुशी की बात है, मुबारक की बात है। सरपंच बिशन दास इन्होंने ये काम रखाया, दे काम पजाया, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है सर। हमें फ़ायदा ही इस रोड का, पहले हम सर सब कुछ जो बोझ लाते थे सिटी से कुछ भी लाते थे, सामान सामान वगैरह हम सिर पे कंधे पे उठा के लाते थे, इस टाइम सर हमें थोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त बन गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सब जो बिशन दास सरपंच साहब हैं, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है सर, क्योंकि सर 70 साल की हमारी मांग थी, तो सब कुछ हम बोझ जो लाते थे सिटी से सर, कुछ भी घास वगैरह जो आगे पीछे सर पंजाब से लाते थे, वो भी सर हमें 2-3-4 किलोमीटर पहले पीछे से हमें ढोकर लाना पड़ता था, इसलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों का कि जिन्होंने हमें ये रोड दिया और हमारी मदद गरीब लोगों की मदद की है सर, कि गवर्नमेंट इंडिया ने जिसने हमारी मदद की गरीब लोगों की सर, क्योंकि आप हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया सर, कुछ भी सामान सामान जो कुछ हमें लाना होगा सर हमारे घर में पहुँचेगा आराम से। ये जो रोड है हमारी 3 किलोमीटर रोड है, नवाड़ के अंडर बनने जा रही है, और जहाँ पे हमारी 4 वाड़ें फीड करती हैं, और जहाँ पे जो हमारे पॉपुलेशन है एससी एसटी जनरल सभी को इसका फ़ायदा होगा। और पहले तो जहाँ पे जो लोग माल मवेशिया का काम करते थे और 3 किलोमीटर दूर से उनको कहीं पे भूसा वगैरह लाते थे तो पैदल लाना पड़ता था, अभी तो उनको तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और जैसे हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, कहीं बारिश में बरसात में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तो अभी जो बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा। और भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, पहले भी सरकारें होती थी वादे करते थे, और 70 साल की ये लोगों की डिमांड थी इस रोड की, और पहले भी वादे करते थे काम नहीं होते थे, तो इसलिए मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे 3 टायर सिस्टम में जो अभी जो नए काम शुरुआत हुए हैं, तो अभी लोगों को भी पता चल रहा है कि 3 टायर सिस्टम में कैसे पंचायतों में काम होते हैं, तेज़ी से काम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।